नमस्ते दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन टीक के फार्मिंग के लिए आपको जो जानकारी चाहिए आपको पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। पूरा जानकारी लेने के लिए आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। मातृभूमि बायोटेक इंडिया की तरफ से मैं हूं संतनु कर्मकर, आप सबको स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पे। ये जो गार्डन आप देख रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलियन टीक का गार्डन है। इस गार्डन का वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ 6 मंथ का। अभी इस गार्डन का उम्र हुआ है 1 साल 2 महीना। अभी इस देख रहा है इसका जो हाइट है कम से कम 20 से 25 फीट तक गया है। इसका डायमीटर 8 इंच का बड़ा बड़ा आ गया। इसमें ऑस्ट्रेलियन टीक का खेती बाड़ी करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा आपको मेंटेनेंस भी नहीं करना पड़ता है, इसमें बहुत ही कम टाइम में ग्रोथ होता है। इस गार्डन का ऑस्ट्रेलियन टीक को अगर आप लगाएंगे तो अच्छा आपका जो ज़मीन है जो सबसे कम उम्र टाइम में आपको मैच्योर्ड हो जाएगा। इसका मैच्योरिटी टाइम है मिनिमम 8 से 10 साल लगता है इसे ग्रो करने में। और भी और एक खासियत भी है ऑस्ट्रेलियन टीक का, जैसे कि और तरह के पेड़ का क्या हुआ, कोई ब्रांच निकलेगा तो उसको कटिंग करेंगे तो क्या वहाँ से आपको दूसरा बहुत तरह का और भी बहुत सारे ब्रांच निकलेगा। मगर आप यहाँ पे देखेंगे जो ऑस्ट्रेलियन टीक का जो ब्रांच है जो एक बार कटिंग करने से दोबारा कोई ब्रांच नहीं निकलता है, ये अपना आग सूख के झड़ जाता है। ऑस्ट्रेलियन टीक अभी तो मार्केट में बहुत ही सक्सेसफुल कल्टिवेशन है। ऑस्ट्रेलियन टीक अगर कोई लगाना चाहते हो तो एक साल में कम से कम 20 से 25 फीट जाता है। और मैंने 4 साल का भी मैंने आपको वीडियो अपलोड दिया है, उसमें भी कम से कम 2 से 2.5 फीट का बीच में आया है उसका डायमीटर। 3 साल का भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें भी आपने देखा है जो 1.5 से 2 फीट का बीच में रहा है ऑस्ट्रेलियन टीक का जो डायमीटर है। ये जो गार्डन आप देख रहा है ये गार्डन इजीली आप इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको कोई चिंता की कोई कारण नहीं है। इसको सिर्फ लगाने के टाइम में जैसे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत सारे खाद है वो डाल सकते हैं इसमें लगाने के टाइम। फिर आफ्टर सिक्स मंथ और एक बार आपको इसमें खाद डालना पड़ता है। फिर आपको और से वन ईयर्स बाद फिर एक बार उसको खाद डालना पड़ता है। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। ऑस्ट्रेलियन टीक के लिए क्या होता है, ज़मीन के कैसे ज़रूरत होता है, ऑस्ट्रेलियन टीक के लिए आपको थोड़ा सा ऊंचा ज़मीन की ज़रूरत होता है। जैसे कि जिस ज़मीन पे बारिश के मौसम पे पानी स्टैक हो जाता है, जैसे कि उसे ऊपर से पानी बहता है, पानी भर जाता है, ऐसी कोई ज़मीन होगा तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीक और ब्लैक पेपर दोनों एकदम सक्सेस नहीं होगा। तो ऑस्ट्रेलियन टीक में क्या होता है, ये जो ज़मीन है सबसे ज़मीन आपको ऊँचा रखना चाहिए, ज़मीन आपको ऊँचा चाहिए, इस ज़मीन को आपको ऊंचा चाहिए। अगर कोई लो लैंड होगा जहाँ पे बारिश का टाइम में पानी भर जाता है, ऐसा कोई लैंड पे ऑस्ट्रेलियन टीक सक्सेस तो हो ही नहीं सकता। लैंड तो आपको ऊंचा चाहिए इसके लिए, और आसमान भी खुला होना चाहिए। जैसे कि आपके ज़मीन के पास कोई बड़ा से पेड़ है जिसका आपका छाव आजकल ज़मीन पर भर जाता है, ऐसी भी जगह पर ऑस्ट्रेलियन टीक सक्सेस नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियन टीक के लिए ज़मीन भी आपको ऊँचा चाहिए, आसमान भी खुला होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलियन टीक अब इसीलिए आप इसमें आप प्लांटेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको अगर कोई गाइडलाइन का ज़रूरत है तो ऑस्ट्रेलियन टीक का आपको जो मातृभूमि बायोटेक इंडिया जो कंपनी है कंपनी की तरफ से आपको पूरा गाइडलाइन मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी स्टेट पे आपको ये प्लांटेशन करना है तो इसको खेती बाड़ी करना है तो आप कर सकते हैं। आपको पूरा 100% कंपनी की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। यह अच्छा टिश्यू कल्चर का ऑस्ट्रेलियन टीक पौधे का सप्लाई भी आपको मिल जाएगा। और भी तरह तरह के हम लोग प्लांटेशन करवाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन टीक तो है ही है, बर्मा टीक है जैसे सागुन कहता है, अफ्रीकन महोगनी है, और भी फूट के विभिन्न तरह तरह के प्लांट है, सब कुछ आप इसमें खेती बाड़ी कर सकते हैं। और भी आगे देखिए जबकि ये सब जो प्लांट है सब एक ही नेचर का एक ही टाइप का ग्रोथ हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको 8 से 10 साल में कम से कम 85% प्लांट आपको मैच्योर आएगा। 8 से 10 साल में 85% प्लांट मैच्योर आएगा। एक प्लांट का कीमत होगा कम से कम एक पेड़ 8 से 10 साल में, 8 से 10 साल में एक पेड़ कम से कम लंबाई में 50 से 60 फीट तक जाता है। डायमीटर जो है 3.5 से 5 फीट का बीच में रहता है। एक पेड़ से कम आपको 20 से 30 CFT काट मिल जाएगा, जिसका अभी कीमत है मार्केट में 700 से 1000 तक।
अगर 7000 पकड़ के चलिए, कम से कम एक पेड़ से आपको तो 10 से 15 हज़ार तो मिल ही जाएगा 8 से 10 साल में। तो एक एकड़ में 750 प्लांट आता है। डिस्टेंस है इसका, जो डिस्टेंस है एक प्लांट से दूसरी प्लांट का 8 फीट, इसका 8 फीट का डिस्टेंस रहता है, एक पेड़ से दूसरी पेड़ का डिस्टेंस है 8 फीट। इधर भी देखिए, एक पेड़ से दूसरा पेड़ का डिस्टेंस है 8 फीट, 8 फीट डिस्टेंस है। एक एकड़ में आपको 750 प्लांट आता है 8x8 में। कम से कम एक एकड़ में आपको 8 से 10 साल में 50 से 60 लाख का प्रॉफिट होता है। अगर इसके साथ और भी, ये तो ऑस्ट्रेलियन टीक है, ऑस्ट्रेलियन टीक के साथ और भी एक इंटरक्रॉप में ब्लैक पेपर का खेती बाड़ी आप कर सकते हैं। हर ऑस्ट्रेलियन टीक का पेड़ के पास एक ब्लैक पेपर लगाया जाएगा। वो एक ब्लैक पेपर इस ज़मीन पे आप कुछ दिन पहले ही इसके इसमें आप ब्लैक पेपर लगाया जाएगा, वो भी हम वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। तो एक एकड़ में ऑस्ट्रेलिया इसके साथ ऑस्ट्रेलियन टीक के साथ आप इंटरक्रॉप में ब्लैक पेपर भी करेंगे तो कम से कम एक ब्लैक पेपर से कम से कम आपको हर साल 5 से 7 केजी तक आपको ब्लैक पेपर मिल जाएगा, जिसका मार्केट कीमत है, अभी रिटेल में खरीदने जाएंगे तो आपको 1000 के भाव से आपको खरीदना पड़ेगा। मगर आप जब इतना जब बड़ा गार्डन पे जब आप कल्टीवेशन करेंगे तो उसको मार्केट में आपको होलसेल में देना पड़ेगा। होलसेल में कम से कम आपको 300 से 500 के बीच में इसका जो रेट है अभी चल रहा है होलसेल में। तो कम से कम एक प्लांट से ब्लैक पेपर से अगर हम पकड़े तो आप माने तो जब 5 किलो का आपका प्रोडक्शन हुआ है उसका कीमत है, क्योंकि 300 से 500 के बीच में रहता है, मैं 300 ही पकड़ के चलता हूँ। 300 होगा तो एक पेड़ से कम से कम आपको कम से कम 1500 मिल जाएगा आपको एक पेड़ से 1500 मिल जाएगा। तो पूरा ज़मीन पे एक एकड़ में आपको 750 प्लांट लगेगा, तो 750 में मैं उसमें 700 पकड़ता हूँ, तो उसमें अभी अपना आपसे हिसाब लगाए जो आपको कितना मुनाफा आता है। ऑस्ट्रेलियन टीक में तो आपको 8 से 10 साल में कम से कम 50 से 60 लाख तो प्रॉफिट तो आएगा, मगर इसके साथ इंटरक्रॉप में ब्लैक पेपर करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा, इसके दुगुना फ़ायदा होता है उसमें। तो इसके साथ और भी अगर ऑस्ट्रेलियन टीक के साथ ब्लैक पेपर करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन टीक को 8 से 10 साल में आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑस्ट्रेलियन टीक ब्लैक पेपर तो आपको 25 से कम से कम 30 साल तक प्रोडक्शन देता रहेगा, तो ऑस्ट्रेलियन टीक भी 25 से 30 साल तक रह जाएगा। ऑस्ट्रेलियन टीक 25 से 30 साल तक जब रहेगा, इसका जो डायमीटर है मैक्सिमम 85% जो प्लांट है उसका डायमीटर 5 फीट का ऊपर में चला जाएगा, 5 से 7 फीट का बीच में आएगा, तब एक पेड़ के कीमत कम से कम 30 से 35 हज़ार आपको मिल जाएगा एक पेड़ से। ब्लैक पेपर में भी अच्छे आप ऑस्ट्रेलियन टीक का खेती बाड़ी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कोई आपको कोई अगर बोलेगा तो ये आपको 4 साल में या 5 साल में मैच्योर्ड होता है ऑस्ट्रेलियन टीक, एकदम झूठ है। कम से कम आपको 8 से 10 साल तो लगता है मिनिमम मैच्योर्ड होने में। और इसके साथ भी क्या है, कोई अगर बोलेगा आपको ब्लैक पेपर में जो 1 साल में 2 साल में प्रोडक्शन होगा, नहीं, मिनिमम ब्लैक पेपर को भी 3 साल का ज़रूरत होता है प्रोडक्शन स्टार्ट करने में। तो ऑस्ट्रेलियन टीक बहुत ही अच्छा है, हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल के कलकत्ता से। यहाँ बहुत सारे हम लोगों का ऑस्ट्रेलियन टीक का प्लांटेशन किया है हमारे कंपनी की तरफ से, बहुत सारे गार्डन है हम लोगों का। अगर कोई गार्डन देखना चाहते हैं तो हमारा कंपनी का जो आप चैनल पे कमेंट बॉक्स से आप कमेंट कर सकते हैं, या कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या ईमेल नंबर है, या ईमेल नंबर पे आप मेल कर सकते हैं, या वेबसाइट है। वेबसाइट अभी अंडर प्रोसेसिंग चल रहा है, वो 5-6 दिन के बाद वो स्टार्टिंग हो जाएगा, तब आप करें इस आगे और भी ऑस्ट्रेलियन टीक के लिए अच्छी तरह और भी जानकारी के लिए। कुछ जानकारी ऐसा भी हो ऐसे अभी छूट गया है इस वीडियो में, तो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये ऑस्ट्रेलियन टीक का स्मॉल प्रोजेक्ट, ये आप जो अभी जो पेड़ देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलियन टीक का, ये 4 साल हुआ है, 4 ईयर्स हुआ है इसमें। इसका हाइट देखिए आप, अभी 35 फीट तक चला गया, 35 से 40 फीट तक चला गया इसका हाइट। इसका डायमीटर जो है डायमीटर लगभग 1.5 से 2 फीट के बीच में है। पहले भी बहुत सारे मैं गार्डन देखा चुका हूँ, ये भी देखिए, ये भी ऑस्ट्रेलियन टीक गार्डन, ये भी छोटा एक गार्डन है, ये 1 साल का है, ये गार्डन 1 साल का है। आप देखिए बहुत कैसा है, बहुत बहुत ही अच्छा है। मैं आप लोगों को तरह तरह के गार्डन में दिखा रहा हूँ आज, सब गार्डन का जो ग्रोथ कैसा होता है। 1 साल का देखा अपने, 8 महीने का देखा, 4 सालों का देखा, 3 सालों का देखा, 1 साल 2 महीने का देखा। ये 1 साल का गार्डन है, ये 1 साल का गार्डन है, ये एक छोटा गार्डन है।
जगह पे लगाना पड़ेगा, खाली जगह पे लगाना पड़ेगा, या कोई आपका जो जमीन जो खेती बड़ी जमीन से दूरी है ऐसे कोई नहीं, आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लगाने के लिए कोई अच्छी मौसम आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, सालों का कोई भी महीने में कभी ये लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सालों कल्चर पौधे का सप्लाई आपको मिल जाएगा हमारा कंपनी की तरफ से, मतलब बायोटेक इंडिया की तरफ से। मैं फिर भी बोलता हूँ ये जो गार्डन है एक साल का है, इसका आसपास चारों तरफ खुला हुआ है, खाली जगह पे हुआ है, इसीलिए इसका एक साल का जो और जैसे और भी जो गार्डन है उस गार्डन से इस गार्डन का ग्रोथ थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि चारों तरफ खुला हुआ है, इसीलिए ऐसा नहीं जो आप और कहीं भी लगाएंगे तो उसमें ग्रोथ नहीं होगा, उसमें भी ग्रोथ होगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा। खाली जगह पे जमीन पे लगाएंगे आसपास खुला हुआ है तो इस तरह का आपको ग्रोथ दिखना है, ग्रोथ अच्छी देख लीजिए। हम लोगों का प्लांट जो सप्लाई करते हैं कंपनी की तरफ से तो उसका ग्रोथ देख लीजिए, ग्रोथ एकदम अच्छा है। और कोई मुझे फ़ोन करके पूछता है अगर ऑस्ट्रेलियन टीक आपका टिश्यू कल्चर का है कैसे ग्रोथ होगा नहीं होगा, अगर ग्रोथ होगा भी होगा या नहीं होगा, आप लोग खुद ही देख लीजिए ग्रोथ कैसा हो रहा है। इसका ग्रोथ देखिए, एक साल का गार्डन है, इसका ग्रोथ देखिए कैसा हो रहा है। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो ऑस्ट्रेलियन टीक का पेड़ कैसा होता है, ब्लैक पेपर का पेड़ कैसा होता है, पौधे कैसे होता है। तो बहुत सारे के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग जो प्लांट सप्लाई करते हैं वो कितना हाइट का है, दिखता कैसा है, ये आप लोगों को मैं अभी दिखाने वाला हूँ। गार्डन तो बहुत सारे दिखा चुका हूँ, तो 6 मंथ का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, बहुत सारे गार्डन दिखा चुका हूँ। तो अभी जो दिखाने वाला हूँ वो है ऑस्ट्रेलियन टीक। ऑस्ट्रेलियन टीक के देखिए, ऑस्ट्रेलियन टीक का पेड़ है, ये है ऑस्ट्रेलियन टीक का पेड़, इसका पत्ता देखिए, इसका हाइट देखिए, इसका हाइट देखिए, इसका हाइट जो है अभी 3 फीट का, इसका हाइट अभी 3 फीट का है, ये टिश्यू कल्चर के है, इसका एज आप 5 माह का है। ब्लैक पेपर है, इसका हाइट 8 फीट है अभी, ब्लैक पेपर है। ये प्लांट काटिंग का है, सिर्फ कल्चर का नहीं है, काटिंग का है। हम लोगों का जो क्वेरीज था जो हम लोग ऑस्ट्रेलियन टीक के प्लांट कैसे सप्लाई करते हैं, ब्लैक पेपर प्लांट कैसे सप्लाई करते हैं, वो तो हम लोगों को हम दिखा चुका है। और भी एक बात करना चाहूँगा, हम लोगों को मार्केट में सबसे कम कीमत में होलसेल प्राइस में आपको ऑस्ट्रेलियन टीक है, ब्लैक पेपर या और भी कुछ तरह के जो प्लांट चाहिए आपको, हमारा कंपनी की तरफ से आपको लो प्राइस में आपको सबसे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा हमारा कंपनी के छोड़ के। अगर आपको और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आपको कोई और भी क्वारीज तो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल पे आप लोग मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है info@matribhumibiotechindia.in।